नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते हैं। मैं लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोबोटिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। हमारे रोबोटिक सर्जरीज के वीडियोस देखने के बाद काफी सारे पेशेंट्स का ये सवाल था कि रोबोटिक सर्जरी का खर्चा कितना आता है, क्या रोबोटिक सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। तो हमने सोचा क्यों ना इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन किया जाए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं है। जो भी एडिशनल कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी में आती है वो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोट के यूटिलाइजेशन से कवर होती है। रोबोटिक सर्जरी इंश्योरेंस में भी कवर होती है। तो हमें रोबोटिक सर्जरी का यूज जहां पे प्रिसीजन चाहिए, जहां पे डेप्थ परसेप्शन चाहिए, जहां पे पेशेंट का रिकवरी फास्ट चाहिए, वहां पे करना चाहिए। तो जो भी नई टेक्निक आएगी वो कन्वेंशनल टेक्निक के कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी रहेगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी कवर्स द कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्टे इन हॉस्पिटल। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, हमारे पेशेंट्स की रिकवरी कन्वेंशनल सर्जरीज के कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है, और क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरीज के कंपैरेटिव रोबोटिक सर्जरी से रिकवरी फास्ट होती है, तो उसका जो एडिशनल हॉस्पिटल स्टे का खर्चा है वो रोबोटिक सर्जरी में कॉम्पेंसेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां रोबोटिक सर्जरी का कवर भी अलाउ करती है, तो इसलिए पेशेंट्स को कोई भी एडिशनल कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। तो जब जेन्युइनली कोई टेक्निक पेशेंट के रिकवरी में ज़्यादा हेल्प करती है, ऐसे सिचुएशन में रोबोटिक चूज करना पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी के बारे में सोचे बिना बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो शायद हमारा फायदा होगा। आशा है मैंने आपके सवाल का सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है। वैसे तो एग्जैक्ट कॉस्ट इन अमाउंट्स मेरे लिए बोलना मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो जाते हैं, कौन से इम्प्लांट्स यूज हो जाते हैं और कौन सी प्रोसीजर की जाती है, उस पर डिपेंड होते हैं। तो कॉस्ट कंसिडर करते टाइम पे सर्जरी में इम्प्लांट्स कौन से यूज हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज हुए हैं और किस तरीके की सर्जरी की गई है, इस पे रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट डिपेंडेंट होगा। आशा है कि ये हमारा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। अगर आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई भी और सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिए, हमें आपके सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है। थैंक यू।